आत्मा और परमात्मा का मिलाप होना क्यों जरूरी है? बेटा अपने असल से बिछड़ के क्या कभी भी हमें सुख मिल सकता है? नहीं, एक बूंद अगर समुंदर से बिछड़ जाती है, छोटी सी बूंद का क्या वजूद है, उसकी क्या हस्ती है? वही बूंद जब समुंदर में मिल जाती है तो समुंदर की तो अपनी हस्ती है ना। सो इसलिए ये जो हमारे अंदर तड़फ है वो अपने असल की है। जब अपने घर को छोड़ के जाते हैं, जो खुशी अपने घर में हो सकती है वो कहीं बाहर तो नहीं हो सकती ना। बाबा जी, हमेशा वर्तमान क्षण में कैसे रह सकते हैं जिससे कार्य कुशलता अच्छी बनी रहे? बेटे उसके रजा में रहने की कोशिश करें। अब इंसान जब से सृष्टि में आया है अपने मन के पीछे लग के ये करता है सब कुछ, इसीलिए तो मोहताज होकर बैठे हैं। अगर मालिक के हुक्म में रहेंगे फिर हमारे क्या कर्म है? बाबा जी, मन हमेशा पास्ट में चला जाता है। जी, मन हमेशा पास्ट बीच चला जाता है। नहीं, मन अपनी आदत से मजबूर है, जो आदतें डाली हैं वैसे ही जाएगा। साथ में मालिक ने विवेक भी तो दी है ना, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए बजाय इसके के मन के अधीन होके मन के पीछे लग के सब कुछ करते जाए। मैं हुन इस वेले तीन भागां च वंडी गई हां। एक तो अपने घर नाल सहुरे परिवार नाल, दूसरा बेटी दे परिवार नाल, तीसरा मैं संगत दे विच वंडी हां। संगत मैनू कहंदी है कि सेवा ना कंडेरिया, ते बेटी मेरी कल्ली है, मैनू ओहदे कोल रहना पैंदा। हुण मेरी सेवा सुटदी पई है। कोई फर्क नहीं पैंदा, देखो आपां जिम्मेवारियां निभाणियां। मालिक ने जिथे भी आपां नूं रखे है करमा करके रखे है, और करमा दे नाल जिम्मेवारियां जुड़ियां हुई है। पहला जिम्मेवारियां निभाओ, जदों जिम्मेवारियां निभ जाणगियां तां तुसीं सेवा वल ध्यान करो। बाबा जी, आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, आई फील सो, एंड आई बिलीव इन द सर्कल ऑफ इन द वे नेचर हैज बीन मेड, दैट अ बिगर एनिमल ईट्स अ स्मॉलर एनिमल, एन इवन बिगर एनिमल विल हंट द मीडियम एनिमल। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, आई मीन ह्यूमंस, आई फील वेरी बैड, बिकॉज एक इंसान जानवर को कभी अच्छे से ट्रीट नहीं करता, और मुझे लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है इस बारे में। इंसान इंसान को सही तरीके से ट्रीट नहीं करता तो जानवरों की तो बात ही और है बेटा। दिस अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू अस टू लर्न व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन। द मोमेंट यू लर्न इट व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन, द नेक्स्ट स्टेप टू गॉडलीनेस विल हैपन ऑटोमेटिकली। फर्स्ट वी हैव लर्न टू लर्न व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन। There's nothing that we can do about it when we, even if we feel so bad. No, beta, you can't go around trying to change the world. Let's try and change ourselves. That we can do. We are too busy trying to teach others and change the world. That is not possible. So if we change ourselves, at least there's one better person, one person who is trying to do the right thing. Abhi, I want to make you proud and my parents proud, and I will work hard. Please never leave my side. Peter, he never leaves us. He can't leave us. It's like parents can never leave the children. Children leave the parents, Beta. They get distracted. They have their own priorities and slowly, slowly they leave the parents. बाबा जी, हुण तक सुनदे आए आ जिन्ने भी महापुरश यही कहंदे आ कि उस परमात्मा दी मर्जी तों बिना कदे पत्ता भी नहीं हिलदा है, पर जिहड़े कर्म है ओह चंगे माड़े किवें हो सकदे? क्योंकि आपां जिहड़ा भी काम करदे, जे इह गल सही है कि जो भी करदा परमात्मा करदा, उहदी मर्जी तों बिना पत्ता नहीं हिलदा, फिर कर्म चंगे ते माड़े किवें हो सकदे? बेटा मालिक ने ना सृष्टि बना के सृष्टि दा एक कुदरत दा कानून बनाता, और वह कुदरत दा कानून कहिंदा है कि जिहो जिहा बीज बोऊंगे ओहो जी फसल मिलूगी। हुण जिहड़े थोड़े कर्म है वह तो एक अवस्था विच लिया के खड़ा कर देंदे है, उस तो अगे असी चुनते हैं कि किवें अगे वधना हैगा। सही भी चुन सकते हैं, गलत भी चुन सकते हैं। हुण कहण वास्ते असी कह दिंदे हां कि सारा कुछ मालिक करदा, मन्नदा कौन है बेटा?
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਚਾਹੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉੱਠਾਂ। ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਪੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੇਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਵੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ, ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਵੇਕ ਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਹਮ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੁਰਾ ਤੋ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਏ ਨਾ। ਤੋ ਅਗਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਮੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹਮਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ, ਤੋ ਉਸਕਾ ਤੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਮਨ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਏਂਗੇ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਨੇ ਚਾਹੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਕਭੀ ਕਭੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਪੜ ਜਾਤੀ ਹੂੰ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਕੈਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ? ਬੇਟਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਗਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕੇ ਸਾਥ ਚਲੇ, ਤੋ ਵੋ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਪਾਏਂਗੇ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਮ ਸੱਚ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ, ਬਜਾਏ ਇਸਕੇ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਮੇਂ ਪੜ ਕੇ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬੋਝ ਡਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਪੜ ਚੁਕਾ ਹੂੰ, ਆਓ ਮੁਝੇ ਬਖਸ ਦੇ। ਬੇਟਾ, ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਏਕ ਤਰਫ ਤੋ ਹਮ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਖੁਦ ਹੱਲ ਢੂੰਢਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਸਾਥ, ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਬੇਟਾ, ਉਸਕਾ ਬੋਝ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮੇ ਉਠਾਨਾ ਪੜੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੋ ਉਸਕਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਮਗਰ ਜਬ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੇ ਹਮਨੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਨਕੇ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਸਤਸੰਗਨ ਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਪਰ ਜਬ ਹਮ ਛੋਟੇ ਥੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੋ, ਵੋ ਆਪਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਤੋ ਬੜਤੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਅਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਕਬ ਸੇਵਾ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਂ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਂ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਪੈਰੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋਂਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਜਬ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਓ ਕੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਆਪਣੇ ਸੰਚਕਰਣ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਮ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਹਮ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਭ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ, ਜਬ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਕੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹਾ, ਤੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਆਦੀ ਹੈ ਵਹੀਂ ਸੇ ਸਹਾਰਾ ਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੋ ਯੇ ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਐਸੇ ਕਰੇਗਾ ਐਸੇ ਕਰੇਗਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਆਪ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਹਮ ਪਲੇ ਹੈ ਵੋ ਏਕਦਮ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਆਪਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਸ਼ਟਮੈ ਜੀਵਨ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਤੀ, ਤੋ ਇਸਕੇ ਲਈ ਮੈਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਮੇਂ ਸੈਰੋਗੇਸੀ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ,
और जैसे ही मैंने अपने परिवार को बताया तो मेरा परिवार मेरे से मतलब फ्रंट हो गया और ये कहने लगा कि आप जो है इतना कॉस्टली इसको कर रहे हैं, आप दूसरी शादी कर लो, लेकिन ये मेरे लिए सही नहीं है। तो बाबा जी मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं बेटा, अगर कल को हमें कुछ हो जाता है बेटा तो क्या हम बेटी को कहेंगे तू छोड़ के दूसरी शादी कर ले? जी सो नहीं बेटा, अगर मालिक ने आपको इकट्ठा किया है तो निभाना चाहिए बेटा, ये भी मालिक की देन है, अगर वो चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा तो जितना मर्जी कोशिश कर ले नहीं होगा। मगर सिर्फ इसी कारण अपनी पत्नी को छोड़ देना ये सही नहीं है जी। आपको अगर शादी हुई है तो हमें रिश्ता निभाना चाहिए जी। बाबा जी किसी की बेटी भी तो, किसी की पत्नी भी तो किसी की बेटी ही होती है, तो माँ बाप को भी या परिवार को या समाज को भी ये देखना चाहिए कि उसका सहयोग ही करें। आप साथ निभाएंगे बेटा, उसको अपने आप वो ताकत मिलेगी और सहारा मिलेगा। बाबा जी मुझे इतनी धैर्य प्रदान करना कि मैं इसको कर सकूं या नहीं। बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने पत्नी के साथ खड़े होकर निभाएं। ठीक है बाबा जी, हर समय पानी दे विच किस तरह रहा जा सकता है? बेटा पहला तो उदा हुक्म पहचानन दी लोड है बेटा, और फिर अपने अंदर वो बर्दाश्त का मादा पैदा करना है कि आपा हुक्म नु निभा सकीए बेटा। सो इस करके बेटा ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच होगी, ये नहीं कि अज मैं नाम ले लिया या अज मैं सत्संग सुन लिया तो मैं एकदम ही अपने जीवन नु बदल लूंगा बेटा। सो पहला सोच बदलनी है, अपने मन विच वो विचार दृढ़ करने हैं, ताई निभा पावांगे बेटा। बाबा जी मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कभी गाइडेड मेडिटेशन या कुछ बेंती चलाकर मैं 5-10 मिनट फोकस करूं, तो क्या ये तरीका सही है मुझे आपके पास लाने का, या मुझे कुछ और करना चाहिए जब तक मुझे नामदान नहीं मिला? बेटा पहले हमें मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आंखें मीच के नहीं हमने किसी चीज में कदम रखना। तो पहले सब किताबें पढ़ के सत्संग सुने कि जब आप अगला कदम उठाएं तो उसको निभा सके। हम कई बारी जल्दबाजी करते हैं और जब निभाने की बात आती है फिर हमसे होता नहीं है। सो इसलिए अपना पहले विश्वास बना के फिर अगला कदम उठाए। तो बाबा जी अगर हमें लगता है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो हमें नामदान लेना चाहिए या नहीं? बेटा जीवन से किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, हर एक चीज में, चाहे शादी है, चाहे माँ बाप की सेवा है, चाहे नौकरी है, जब तक इंसान जिम्मेवारी नहीं उठाएगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगा? बाकी क्या जिम्मेवारियां नहीं है? तो फिर बेटा अगर हमने बाकी जिम्मेवारियां निभानी हैं तो ये भी एक वैसे ही जिम्मेवारी है बेटा। बाबा जी, सिंथेसिस गिव्स सिंफनी टू एनीथिंग एंड इट मेक्स इट ए ग्रेट पीस ऑफ वर्क और आर्ट, बी इट पेंटिंग और म्यूजिक और पोएट्री, व्हाटएवर, व्हाट इज दैट which gives grace and makes our life symphonious and harmonious? Music of the spheres? Sure. You see, what is Shabad? Shabad is music of the spheres. You see, so when we listen to outside music, normally when we are tense or we want to relax, we put on some light music to help ourselves, right? So here we are talking about that divine sound which is more melodious and sweet than anything else we've heard. Milton has said, all calm of mind and passion spent. In my life, all passions have been spent. They have been withdrawn. They have gone away. They have subdued, mellowed, and I am just feeling the grace of yours. My, well, you use the right word, subdued, but the mind is such a powerful entity, you don't know at what time it can awaken those passions again.
So that is why we have to be on our guard all the time. We have to be very cautious, because mind can trick us at any stage and pull us at any stage. That's why we need that inner support. You see? Now, if we have that support, that becomes our strength, our confidence. And until we don't go beyond mind and maya, mind can pull us back anytime. My heartfelt gratitude, my master. बाबा जी, जिस प्रकार पढ़ाई लिखाई जरूरी है, वैसे ही भजन सिमरन क्यों जरूरी है, और मेरा मन भजन सिमरन में हमेशा लगा रहे। बेटा देखो, मालिक ने अगर सृष्टि में भेजा है तो किसी खास वजह के लिए भेजा है। मालिक ने इंसान का जामा बख्शा है, पेड़ पौधे बना सकता था, जानवर पक्षी बना सकता था। तो पहले तो हमें पहचानने की जरूरत है कि इंसान का जामे की बख्शिश हुई है तो कौन सी खास वजह है, और जब तक उस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे तो हमें यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। सो भजन सिमरन का बेटा मकसद है कि हम मालिक का शुक्र करें, क्योंकि जो भी हमें हासिल है मालिक की दया से हासिल है, उसका शुक्र करेंगे, उसकी कदर करेंगे, वो और देगा। बेकदरे होंगे तो फिर बेटा वहीं के वहीं रह जाएंगे। बाबा जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी, मैं अपनी लाइफ दे अंदर ना परमार्थ कमा सकिया, ना स्वार्थ कमा सकिया, मैं दोनों ही गवा बैठा, मेरा की बनेगा? बेटा आपां पिछे मुड़ के नहीं देखना, आपां अगे देखना हैगा। मालिक ने जिहड़ियां भी घड़ियां बख्शियां है ना, जे आपां उन्हां नूं भी संभाल लीए ना, तां अपने आप बरकत होगी। जिंदगी तो सिखी है आपां, और जिंदगी नूं सवारन दी कोशिश करिए, मालिक अपने आप साथ देगा। बाबा जी कहिंदे आ कि गुरु तो मंगना नहीं चाहिए। बाबा जी, बच्चे बाप कोलों नहीं मंगणगे तां किहदे कोलों मंगणगे? बेटा ठीक है, मगर ये भी याद रखो कि बाप ने उही देना है जो बच्चियां दे हित विच होगा। सानू तो इन्नी समझ भी है नहीं कि आपां की मंगीए। बेटा बाबा जी, कोई बोलते राधा स्वामी बड़े हैं, कोई कहता जय गुरुदेव बड़े, कोई कहता कोई पंत बड़ा है। नहीं बेटा, कोई नहीं बड़ा, मालिक बड़ा है सबसे। हमें कभी भी इस तुलना में नहीं पड़ना चाहिए। बेटा वो रास्ता अपनाओ जो आपको ठीक लगे। ये कहना कि कोई एक सोच ज्यादा बड़ी है दूसरी सोच, ऐसी नहीं है बेटा। सभी एक जैसे हैं, मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं। जो आपको ठीक लगता है आप उनके जुड़ के भक्ति उस एक की करनी, हमने किसी इंसान की नहीं करनी, और ना ही कभी भी इस बहस में पढ़ना है। बेटा हम तो सबसे नीचे हैं। पास रहना चाहिए एक ने, पूजा पाठ करना चाहिए एक ने। ये बेटा ये देखो, ये सभ्यता का हिस्सा है बेटा। जो रूहानियत है वो अंदर से मिलेगी। अब दुनिया में रहना है, दुनिया में सभी के साथ आना जाना है, तो जो सभ्यता में आप करते हैं, मेरी तरफ से कोई उसकी मनाही नहीं है, मगर बस इतना जरूर याद रखें कि जो रूहानियत है, परमार्थ है, वो अंदर से मिलेगी। सो दुनिया के लिए आप करते हैं, बड़ी खुशी से करें। भाई बहुत सारे लोग है ना जिहड़े थोड़े फोटो रख के अगे कहने भी असं ब्याह जाने हैं, पर जाते हैं नहीं, झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए जी? बेटा देखो, जिहड़ा सारा कुछ जान के गलत काम करूगा ना, उदा कर्मांज दा बोझ ज्यादा बनूंगा। बेटा आपां नहीं किसे दी परख विच पैना, आपां सही करना। वो गलत करनगे उन्हां दे कर्म बनणगे, तुसी गलत करोगे थोड़े कर्म बनणगे। अंत विच तां कर्मां दा हिसाब किताब है ना। सो आपां अपने वल्लों कोई गलत कदम नहीं चुकना, वो चुकदे आ तां अपने आप उहदा हिसाब किताब देणगे। बेटा जे आपां इकणगे जिहड़ा साडे नाल करूंगा उहदे नाल ही माड़ा ही होवे। बेटा माड़ी तो जिहड़ा माड़ा करूगा उहदे नाल होगी, भावें वह सत्संगी है या नहीं सत्संगी है, माड़ी तो हो। सत्संगी की जिम्मेवार ज्यादा बनती है, क्योंकि उन्हें तो सच का पता हैगा। सो इस करके बेटा मालिक नूं हिसाब किताब लैण दिओ, आपां नहीं इहदे विच पैणा,
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰਿਓ ਨਾਮ ਦਨ ਬਖਸ਼। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਝੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਸੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਇਹ ਸਭ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਹਮ ਤੋ ਸਭੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਗਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤੀਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਾਲਕੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਯੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੇ ਆਏ ਥੇ ਹਮੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਥੇ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਥੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਤੋ ਸਭੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ।